वहीं रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा, शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, किस गेट से किसको एंट्री मिलेगी और शपथ समारोह के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में जो तैयारियां है वो पूरे जोरों पर है और तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद है और यहां पर आपको तैयारियों के आखिरी चरण की तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रामलीला मैदान है वो पूरी तरीके से वहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 40,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है, यानी 40,000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम इस बार रामलीला मैदान में किया गया है। और साथ में आप देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पोल आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमको CCTV कैमरे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में अगर और चीज़ों की बात करें तो ये देखिए जो आप अभी डी सर्कल देख रहे हैं ये यहाँ का VIP क्षेत्र है और यहाँ पर जो तमाम VIP लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। साथ में ये जो आप मंच देख रहे हैं जो परमानेंट स्ट्रक्चर है यहाँ की रामलीला मैदान की, यहीं से अरविंद केजरीवाल जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। कल बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास उनके शपथ लेने का कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो उनका मंत्रिमंडल है वो भी कल इसी मंच से शपथ लेने जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन शर्मा है जो इस पूरी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और बारीकी से इस पूरे काम को देख रहे हैं। पवन, किस तरीके की तैयारियां हैं, अब तक तैयारियां पहुंच चुकी हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को न्योता दिया है जिन्होंने दिल्ली की सरकार बनाई है, उनके लिए इंतजाम के लिए यहाँ पे और के आसपास चेयर्स लगी हुई हैं। सबका कॉमन है, सारे हमारे विधायक, उनकी फैमिलीज़ प्लस दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सारे उनके लिए इन्वाइट के यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं। लेकिन इसमें एक VVIP ट्रीटमेंट भी एक है जो कि दिल्ली के निर्माता हैं, उनके लिए इस बार VVIP ट्रीटमेंट यहाँ पर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं पीछे यहाँ पर ये स्टेज यहाँ पर कि CM सर मेन इनका प्रोग्राम होगा, शपथ लेंगे, उसके साथ में ये छोटा सा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर दिल्ली के निर्माता बैठेंगे, दिल्ली के निर्माता वो जिन्हों के दिल्ली के विकास में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, जो कि सफाई कर्मचारी हो गए, आपके शिक्षक हो गए, इस तरह के जो लोग हैं 50 लोग यहाँ बैठेंगे जो CM सर के साथ शपथ में बैठेंगे इधर यहाँ पर। ये हमारे VVIPs हैं, बाकी सबका अरेंजमेंट सबका कॉमन है जी। आज जो 50 लोग हैं क्या उनको खास न्योता आपकी तरफ से भेजा गया है? हाँ, ये डिपार्टमेंट का अपना प्रोसीजर है, ये सारे लोगों को पर्सनल इन्विटेशन भेजे गए, ये सब लोग जिस दौरान CM सर की शपथ होगी वो सब लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे सर के साथ। तो बिल्कुल जिस मंच पर हम खड़े हुए हैं इसी मंच पर उन 50 आम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है जिनको नाम दिया गया है दिल्ली के निर्माता, जो अलग अलग क्षेत्र में दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उनको भी इस बार अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में खास न्योता भेजा गया है। और उन आम लोगों को यहां पर VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो लोग जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के विशेष मेहमान होंगे। जो आपके MLA है जो चुनकर आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, वो सब लोग जनता के बीच में ही बैठेंगे, बाकी VVIP सिर्फ एक ही है दिल्ली के निर्माता, बाकी सब लोग कॉमन बैठेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जो विधायक थे उनके लिए VIP एरिया बनाया गया था, क्या इस बार उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, पिछली बार भी कोई VVIP एरिया नहीं था, इस बार भी एरिया नहीं है। VVIP सिर्फ एक ही लोगों के लिए, दिल्ली के निर्माताओं के लिए, जो कि हमारे सफाई कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, ये जो हमारे दिल्ली के निर्माता हैं उन्हीं के लिए VVIP ट्रीटमेंट है, बाकी सब लोग कॉमन बैठेंगे। एंट्री कैसी होगी और कितने वॉलंटियर्स आप लोगों ने यहाँ पर तैनात किए हैं सुरक्षा के अलावा? देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, सिविल डिफेंस की है, वो लोग सारे मौजूद रहेंगे। हम लोग पार्टी के कुछ लोग उनके साथ में उनकी हेल्प करने के लिए साथ में उनके रहेंगे, मौजूद रहेंगे, बाकी मेन जिम्मेदारी सब उन लोगों की है, दिल्ली पुलिस की है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की है। कितने बजे का कार्यक्रम है अरविंद केजरीवाल के पहुँचने का और शपथ का टाइम क्या है? देखिए, 10 बजे का टाइम सबको दिया गया है, 10 बजे का इन्विटेशन है, तो 10 बजे से लोग आना स्टार्ट कर देंगे, बाकी प्रोग्राम का उसके हिसाब से आगे मूव होता रहेगा। 10 बजे सबको इनविटेशन दिया गया है। प्रधानमंत्री के लिए भी क्या कुर्सी लगाई गई है, क्योंकि उनको भी न्योता दिया गया है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर PM सर आएंगे तो उनके लिए भी बैठने का अलग अरेंजमेंट है, उनके लिए VVIP ट्रीटमेंट है अगर आते हैं तो जी।
तो बिल्कुल जो तमाम तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है और सबसे खास बात ये है इस शपथ ग्रहण समारोह की कि इस बार 50 ऐसे आम लोगों को न्योता दिया गया है जो दिल्ली के निर्माता है और उनको यहां पर विशेष मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।